हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, खेत वाली सोलर से संबंधित बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ गई है। जिसने भी सोलर वाटर पंपिंग स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, यानी अगर आपने खेत वाली सोलर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और उसकी पेमेंट भी आपने जमा करवा दी है, पेमेंट वैलिडेट भी कर दी है, लेकिन अब केवल आपकी कंपनी चूज करनी रह गई थी, तो उन सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब कंपनी का चयन होना शुरू हो गया है, यानी वेंडर सिलेक्शन के लिए फोरम ओपन हो चुके हैं। अब आप अपने फोन से ही वेंडर यानी कंपनी को चूज कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि हम ऑनलाइन अपनी सोलर की कंपनी को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है सरल हरियाणा, आपको सरल हरियाणा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है सरल हरियाणा .gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों, आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है, ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों, आपके पास सबसे पहले इसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए आपको दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू यूजर रजिस्टर हेयर। इसका आईडी पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं, इससे संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे बनेगा। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाते हैं, आपकी जो ईमेल आईडी होती है जो इसके अंदर आप रजिस्टर करेंगे, वो आपकी आईडी होगी, यानी जो आपकी लॉगिन आईडी है वो आईडी होगी। और इसके अलावा जो आप पासवर्ड बनाएंगे, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है। और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक और ऑप्शन नीचे ओपन होगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर दोस्तों आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, साइड में आपके सामने बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है सोलर। किशन भैया, जैसे ही आप यहां पर सोलर लिखेंगे, आपके सामने यहां पर सोलर से संबंधित स्कीम आ जाएंगी। यहां पर लास्ट में आप देख सकते हैं वेंडर सिलेक्शन फॉर सोलर वाटर पंपिंग स्कीम, इसी वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर किसान भैया, सबसे पहले ये जो डिक्लेरेशन आपको दिख रहा है, इसे डाउनलोड पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का एक घोषणा पत्र आ जाएगा। किसान भैया, सबसे पहले आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है प्रिंटर के माध्यम से। फिर आपको यहां पर आपकी सरल आईडी लिखनी है, आवेदक का नाम यानी अपना नाम लिखना है, आपके पिता का नाम लिखना है, आपके गांव और खंड का नाम लिखना है, तहसील का नाम, जिले का नाम, सोलर की क्षमता 3 HP है, 10 HP है, कितनी भी है वो आपको लिखनी है, AC है, DC है वो यहां पर आपको लिखनी है, सरफेस है या सबमर्सिबल, यहां पर आपका कंट्रोलर नॉर्मल है यूनिवर्सल वो यहां पर आपको लिखना है। इसके अलावा जिस भी कंपनी की आपको सोलर लेनी है, उस कंपनी का नाम यहां पर आपको लिखना है। इसके अलावा अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर यानी साइन करने हैं, अपना नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है, मोबाइल नंबर फिल कर देने हैं। इसके बाद आपको इसका एक PDF बना लेना है, वापस यहीं पर आ जाना है और प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस पेज को बड़ा करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको आई हैव फैमिली आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहां पर आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी है, यानी परिवार पहचान पत्र नंबर फिल करना है और क्लिक हियर टू फेच फैमिली डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपकी फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर होंगे उन्हें सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब किसान भाई, यहाँ से आपको उस मेंबर का नाम सेलेक्ट करना है जिसके नाम से आपने पहले आवेदन किया था। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब जो OTP आपके पास आया है, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है और क्लिक हियर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक
कर देना। अब किसान भाइयों यहाँ पर आपकी डिटेल आपको दिखा दी जाएंगी। यहाँ पर किसान भाइयों आपको अपनी ईमेल आईडी फिर से फिल करनी है। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट कैटेगरी सिलेक्ट में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद किसान भाइयों आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपकी सभी डिटेल फैमिली आईडी के माध्यम से उठा ली जाएंगी। बैंक अकाउंट और भी सभी जो भी आपकी जानकारी है उठा ली जाएगी। अब किसान भाइयों यहाँ पर आपको चेक हियर फॉर फैच डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपने जो आवेदन किया था उसकी कंप्लीट डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपकी सरल आईडी थी वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेंट का नाम और भी जितनी भी जानकारी है, आपका एड्रेस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। कितनी पेमेंट आपने जमा की है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे यहां पर आपको आपका कंट्रोलर का टाइप देखने को मिलेगा। कितनी एचपी की और कौन सी मोटर आपने अप्लाई की है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहां से आपको वेंडर यानी एक कंपनी को सिलेक्ट करना है। जो कंपनी आपको पसंद है उसी कंपनी का नाम यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको जितनी भी कंपनियां हैं उनका नाम यहां पर देखने को मिल जाएगा। जो भी आपकी पसंदीदा कंपनी है उसका नाम यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। किसान भाई कंपनी का नाम सिलेक्ट करने के बाद ये जो कैप्चा कोड आपके सामने दिख रहा है वो यहां पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपकी डिटेल दिखाई जाएंगी। एक बार आपको सभी जानकारियों को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। अगर सभी जानकारी ठीक है तो आपको अटैच एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर जो डिक्लेरेशन फॉर्म आपने प्रिंट किया था, फिल किया था और उसका जो पीडीएफ बनाया था वो पीडीएफ यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहां पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको सेव एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब किसान भाई फिर से आपको सभी डिटेल दिखाई जाएंगी। आपको नीचे आ जाना है, चेक करना है। चेक करने के बाद नीचे आकर आपको सबमिट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं। अब किसान भाइयों आप एक्सट्रैक्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी कि आप खेत वाली सोलर के लिए अपनी मनपसंद कंपनी सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। कंपनी सेलेक्ट होनी शुरू हो गई है और ये जो प्रोसेस है वो 10 फरवरी तक चलने वाली है। जल्द से जल्द आप अपनी मनपसंद कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों कंपनी को सेलेक्ट करके सोलर मिलने की जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको सोलर मिल सके, कोई भी दिक्कत न हो। तो धन्यवाद किसान भाई, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।